आमदनी विधेयक 2016 का पुरजोर विरोध। दूसरी ओर छह जन गोष्ठियों को जनजातिकरण की मर्यादा देने के विरोध में बंद का हुआ। अचानक ही दोपहर बाद खुशी की लहर। राज्यसभा में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 के पेश न हुए जाने पर लोगों ने की खुशी जाहिर। क्या जिले में नागरिक संशोधन विधेयक 2016 के विरोध में टायर जला, प्रतिमूर्ति फूंक, पथ अवरोध कर विरोध के स्वर गूंजते रहे। वहीं छह जनगोष्ठी को जनजातिकरण देने के विरोध में ट्राइबल संघ द्वारा आहूत असम बंद के चलते जिले के लोगों द्वारा एक और बंद का पालन किया गया। सुबह सवेरे ही ट्राइबल संघ द्वारा तिनसुकिया गोविंदपुर में टायर जलाकर विरोध प्रकट किया गया, जिससे तिनसुकिया शहर के लोगों द्वारा बंद का पालन किया गया। इधर पानीतोला में सुबह से ही विभिन्न संगठनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा 37 नंबर राजमार्ग को अवरोध कर नागरिक संशोधन विधेयक 2016 का विरोध किया जाने लगा। नरेंद्र मोदी को জাতিধ্বংসী যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল, এইখন চৰকাৰে পাছ কৰিবলৈ লৈছে। আৰু আমাৰ এই জাতিধ্বংসী বিধেয়কখন যদি গৃহীত হয় কেনেবাকৈ আমাৰ অসমখনৰ কাৰণে কিমান লোকচান, সেই কথা আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই জানিও আজি চকু মানে কণা চকু মুদা কুলি ভাৱত হৈছে তেখেতে। दुमदुमा में भी वीर लाचित सेना एवं गड़िया मरिया जातीय परिषद द्वारा भी विरोध प्रकट किया गया। तिनसुकिया बरगोड़ी में एक कार्यक्रम में भाग लेने आए मंत्री चंद्रमोहन पटवारी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। पर जैसे ही यह खबर फैले कि नागरिक संशोधनी विधेयक 2016 को राज्यसभा में नहीं पेश किया गया और राज्यसभा को अनिश्चित काल हेतु स्थगित कर दिया गया है, पूरे तिनसुकिया जिले में खुशी की लहर फैल गई। तिनसुकिया जिला आसू के अध्यक्ष विनय दुबे के नेतृत्व में तिनसुकिया थाना चाराली पर जमकर आतिशबाजी की गई। वहीं AJYCP द्वारा भी फटाके फोड़ मिठाइयां बांटी गई। आसू के जिला अध्यक्ष विनय दुबे ने राज्यसभा में विधेयक पेश न होने को राज्य की जनता की जीत करार दिया और संग्रामी जनता के साथ विरोधी राजनीतिक दलों को भी धन्यवाद ज्ञापन किया। दूसरी ओर तिनसुकिया जिला कांग्रेस के कार्यालय में भी खुशियां मनाते हुए फटाके फोड़े गए। AJYCP के कर्ण गोगोई, अटासू के मिलन बुरा गुहाई द्वारा भी जाति ध्वंसी विधेयक के खिलाफ हुए आंदोलन में साथ देने वाले सभी संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। दुलियाजान में भी विधेयक के पेश न होने के चलते लोगों द्वारा जमकर खुशियां मनाई गई। আমি আনন্দিত হৈছো যিটো আজি গণতন্ত্ৰৰ জয় হৈছে, ৰাইজৰ জয় হৈছে, অসমৰ ৰাইজৰ জয়, উত্তৰ পঞ্চৰ ৰাইজৰ জয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, তিস্তা জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠন, অসমৰ ৰাইজ, নেচু, উত্তৰ পঞ্চৰ ৰাইজৰ বৃহৎ জয়। এইটো तिनसुकिया के जाने माने मंच अभिनेता, तिनसुकिया सूर्यमुखी नाट्य गोष्ठी के संस्थापक सदस्य पवन शर्मा अब नहीं रहे। 69 वर्ष की अवस्था में बीते कल उनका देहांत हो गया।
आज सूर्यमुखी नाट्य गोष्ठी के बड़ा बाजार स्थित कार्यालय में विभिन्न संगठनों के अलावे सूर्यमुखी नाट्य गोष्ठी के सदस्यों द्वारा उन्हें शेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सूर्यमुखी नाट्य गोष्ठी के अध्यक्ष मनोरंजन शर्मा, तिनसुकिया प्रेस क्लब के सचिव प्रणव फुकन, जिला पत्रकार संस्था के सदस्य कमल तालुकदार, असम भोजपुरी साहित्य सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा उपाध्याय, सचिव उमेश सिंह, गुलाब चंद्र रविचंद्र नाट्य मंदिर आखरागढ़ नाट्य गोष्ठी, तिनसुकिया जिला भाजपा मीडिया सेल के पुलक सतिया के अलावा विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा शेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मोहन शर्मा की मृत्यु पर एजेवाईसीपी के केंद्रीय सांगठनिक सचिव कर्ण गोगोई, आसू के जिला अध्यक्ष विनोद दुबे सहित विभिन्न संगठनों द्वारा शोक प्रकट किया गया है। पवन शर्मा के वियोग में सूर्यमुखी नाट्य गोष्ठी का पताका 3 दिनों के लिए अर्धनमित किया गया है। অভিনেতা, বোলছবি অভিনেতা আর বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জড়িত ব্যক্তি আমার সূর্যমুখী নাট্য গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাপক সদস্য আছে, তখন যাকালি আমার মাজের পর হারা গেল। আমি মর্মাহত হয়েছি আর কর্মরাজি আসলে আদর্শ আছে, সেই আদর্শ আগত আছে সূর্যমুখী চলি যাম বলে আশা করছি। আমি তখন বিদেহী আত্মার শান্তির আর পরিবার আমার আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছি।